सच के प्रति जो अहंकार है ये सबसे खतरनाक है, क्यों सच का जो अहंकार करता है वो व्यक्ति बड़े गुस्से में आ जाता है। अक्सर गुस्सा जो करता है व्यक्ति वो बोले मैं तो सच बोलता हूं, वो सच से जो गुस्सा निकलता है उससे मारा जाता है। सत्य तो है ठीक है, मगर वो सत्य के साथ इतना गुस्सा वो इसके विवेक को ढक देता है, फिर वो वापस लौट के वहीं गिर जाता है। इसलिए केवल सत्य काफी नहीं, सत्य के साथ अहिंसा चाहिए, अक्रोध चाहिए, क्रोध रहित होना है, तब विवेक जगा हुआ रहेगा। क्रोध कभी दिखाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल क्रोध करो ही नहीं, क्रोध जरूर करो मगर क्रोध तुम्हारे हाथ में हो ऐसा क्रोध करो। क्रोध के हाथ में तुम आ जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो सत्य बोलने से नहीं होता, सत्य के साथ बुद्धिमानी से सत्य बोलो। सत्य वाणी नहीं होती, सत्य हमारा चेतना होती, जिस स्थिति होती है हम मन की स्थिति उसको सत्य बोलते हैं। जब आप ऐसे जीते जागते लगा, आग जैसे आपको लगता है आपके भीतर कुछ जल रहा है, ऐसा आग हो जो सबको शीतलता प्रदान कर रही, तो वो सत्य है। इसलिए कहा है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम न ब्रूयात, येष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है, सत्य बोलो मगर प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य न बोलो और प्रिय झूठ भी न बोलो। अब ये गोल गोल बात हो गई तो ये धर्म है, इसलिए कब कैसे बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, ये विवेक से जान करके करो बोलो, ये बोला गया। तो सत्य बोल के मैं हमेशा तकलीफ में पड़ जाती हूँ ये नहीं, ये बेवकूफ़ी है। हाँ एक आध बार तकलीफ में पड़ भी जाए तो उसका परिणाम आखिरी में अच्छा ही होगा।